तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको लोन, आप IYDA पेमेंट से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं या दूसरों के लिए अप्लाई लोन कर सकते हैं, आपको एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा IYDA पेमेंट ऐप्स पे, IYDA पेमेंट ऐप्स पे जाऊँगा। उस पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है एजुकेशन लोन, जैसे कि ये देख रहा है एजुकेशन लोन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने आपके पास याद रहे कि आपके पास इसका आईडी हो, अगर आपके पास इसका आईडी है तो ही आप इसको ओपन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डालना होता है, उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो याद रहे, आपको अगर आईडी नहीं है तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे और ना ही इसकी सुविधा उठा पाएंगे। तो अगर आप इसकी आईडी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं आईडी। और अगर आप नहीं आप अगर हमसे नहीं लेना चाहते, किसी और से भी लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च करके आप इसका कस्टमर नंबर सर्च करके आप फ़ोन लगा के कर सकते हैं और आप आईडी ले सकते हैं। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं और बताते हैं एजुकेशन लोन को अप्लाई कैसे करना है। एजुकेशन यहाँ पे आप देखने को आपको दिख रहा होगा, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एजुकेशन लोन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको ये इंटरफेस फेस होगा, विद्यालक्ष्मी आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करना है, अगर नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर आपको सर्च करना है कौन कौन सा लोन्स हैं तो आप सर्च फॉर लोन्स पे क्लिक करना है। हमें जैसे करना है रजिस्ट्रेशन, तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, आप जो भी टाइटल डालेंगे यहाँ पे, आप क्या हैं, तो आप जैसे कि मैं मिस्टर, तो यहाँ पे नाम अप्लाई कर देता हूँ। आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कैप्चर कोड, ये कैप्चर कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप कैप्चर कोड डाल लेंगे, मैं जैसे कि डाल लेता हूँ। यहाँ से आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन भर लेंगे जितना कुछ है, और मैं इसमें कर चुका हूँ तो अभी मेरा ये सबमिट नहीं होगा, और आपका जो नया होगा तो आप कर सकते हैं इसमें, तो आप कर लेंगे। मैं लॉगिन करके कर लेता हूँ, और फिर जैसे कि सर्च फॉर लोन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये इंटरफेस आएगा, ये आपका यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, कैप्चर कोड डालना होगा, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद अगर आप और कोई लोन अपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिंगर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिंगर्स आपको इसमें फिंगरप्रिंट्स चाहिए होगा। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म वाला भी होता है, मल्टी बैंक भी होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कई प्रकार के लोन्स होते हैं जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 40 बैंक होते हैं इसमें और 133 लोन्स होते हैं, लोन्स के प्रकार होते हैं, तो आप इसमें अच्छे खासे लोन 1,000 से 10,000, 50,000, 1,00,000 तक का लोन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो और आप भी इसकी सुविधा उठा सकते हैं और दूसरों को भी दिला सकते हैं और उनसे आप कमीशन भी ले सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आपको ये आईडी चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे क्लिक कर लें।